हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज प्रियंका राम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में एक रिव्यू दूंगी। तो वो जो ऑयल है, तो ये ऑयल है वो मैक्स केयर का 100% नेचुरल एंड कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। ओके, तो इसी के बारे में मैं आज आपको रिव्यू दूंगी, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस ऑयल को लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस का। तो ये जो मैंने लिया है ये 500 ml का है। इसका मेरे को पड़ा है लाइक 375, और अगर आप 1000 ml का लेते हो तो आपको 675 ऐसा कॉस्ट पड़ेगा। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। लिंक जो है इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लें। ये जो ऑयल मैंने मंगवाया है ना, तो ये मैं स्किन और हेयर के लिए मैंने मंगवाया है इसको। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको स्किन के लिए और हेयर के लिए ही यूज़ कर सकते हो, आप इसको कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और बेबी लोग के लिए भी ये ऑयल सेफ है, तो आप उन लोग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है। और अगर आपका सेंसिटिव स्किन है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा अपने स्किन पे लगा के देखो कि अगर कुछ रैशेस वगैरह निकलता है कि नहीं निकलता है। सेंसिटिव स्किन के लिए मैं, अगर आप मेरे को, जैसे मेरे को सूट किया मेरे स्किन पे, एंड तो और मेरी मॉम भी इसको यूज़ करती है, और हम लोग स्किन और हेयर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या होता है, ये आपका जो हेयर फॉल होता है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका हेयर फॉल कम होने में ये वाला ऑयल। तो स्किन पे मैं बोलूँगी, अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो एक बार ही आप लगा के देखो, रात भर छोड़ के देखो कि कुछ अगर आपका रैशेज या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि नहीं, वो देखो। अगर ओके है तो फिर आप जा सकते हो इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है फिर। और एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो, जैसे कि ये जम गया है ना, तो इसको आप लाइक धूप में मत रख देना कि धूप में रखने से ये फिर मतलब कि ठीक हो जाएगा। धूप में मत रखना, आप इसको गर्म पानी में रखना, गर्म पानी कर लेना किसी भी कंटेनर पे, एंड इसको डुबा के रख देना, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा जो भी जमा हुआ है ये। तो इसको धूप में मत रखना, धूप में रखने का गलती करना भी मत इसको, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन लोग को भी 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, तो प्लीज़ एक बार इसको यूज़ करो, उसके बाद आप फ़ैन हो जाओगे, सीरियसली फ़ैन हो जाओगे। और ये आप बॉडी ऑयल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बॉडी ऑयल अगर मेरे को लगाना है ठंडा में, मतलब ठंडी का सीज़न जैसे अभी आ गया है, तो बॉडी ऑयल नीड होता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ना ये हल्का सा शाइन भी देगा आपके बॉडी में, और एक अलग सा स्मेल भी आता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा ऐसा मीठा मीठा सा स्मेल आता है बॉडी से अगर आप इसको यूज़ करते हो, तो आपको स्मेल भी बहुत अच्छा मिलेगा अगर बॉडी ऑयल के हिसाब से अगर आप इसको यूज़ करते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा इसमें से निकाल के जो भी बन पड़ता है। और ये बॉडी ऑयल के हिसाब से अगर आप लगाते हो ना, सच्ची बता रही हूँ, इसके बाद आपको बॉडी लोशन लगाने का नीड नहीं है। आपका सारा दिन मॉइस्चराइज मतलब होते रहेगा आपका, मतलब स्किन जो है, बॉडी लोशन भी लगाने का नीड नहीं है अगर आप इसको बॉडी ऑयल के हिसाब से यूज करते हो। तो देखो आप, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है ये। ये वाला जो ऑयल है ना, ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप मतलब कि, और ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, वर्जिन कोकोनट ऑयल का जो अभी प्राइस हो रखा है मार्केट में, उस हिसाब से इसका प्राइस कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, पहले आप 500 ml वाला लेके देखो कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, और यूज़ तो ये अच्छे से हो जाएगा आपका। नहीं भी आप स्किन और हेयर केयर में करो, आपके कुकिंग के लिए यूज़ हो जाएगा, बेबी के लिए भी यूज़ होगा, बेबी के लिए तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं बेबी लोग के लिए ये वाला ऑयल, तो एक बार ही लेके देखो, बहुत अच्छा है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करो, ओके। और ये एक बात ध्यान रखना कि अगर ये जम जाता है, इसको आपने धूप में नहीं रखना है, आपको इसको गर्म पानी में ही इसको मेल्ट करना है, धूप में नहीं रखना, आप एकदम भी स्टोर अवे फ्रॉम सनलाइट, ये इसमें भी लिखा हुआ है, तो प्लीज़ वो गलती मत करना। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।